दिल हसीनों से लगाना कोई हमसे सीख ले, दिल हसीनों से लगाना कोई हमसे सीख ले, हक दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, हक दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले। दिल तो दिल है अक्ल की दौलत गवा देते हैं हम, अरे बाप दादा की कमाई तक लुटा देते हैं हम, अरे जीते रहो घर के बर्तन बेच खाना कोई हमसे सीख ले, घर के बर्तन बेच खाना कोई हमसे सीख ले, हक दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, हक दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे सीख ले, आज कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे। दिल हसीनों से लगाना कोई हमसे सीख ले, उम्र सारी कैस की जंगल में गाते कट गई, अरे जिंदगी फरहाद की सीटी बजाते कट गई, अरे वाह वाह में तबला बजाना कोई हमसे सीख ले, इश्क में तबला बजाना कोई हमसे सीख ले, हक दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, हक दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे सीख ले, आज कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे सीख ले, आज कोई हमसे सीख ले। दिल हसीनों से लगाना कोई हमसे सीख ले, मगर जानवर तो दूर तक नजर नहीं आता, एक बकरी का बच्चा भी नहीं नजर आता। अच्छा पीछे देखो तो मोटरों का टापला आता है क्या? अयो वो तो बहुत दूर है जी। अब तुम दूरबीन को उल्टा करके देखते हैं, घुमा के देखो। अबे तो एकदम छाती पे आ गया। चुप जानवर देखो। जानवर देखता हूँ जी, जीवन जानवर किधर गया? सांभर चीतल और हिरन के शिकार पर निकले थे साथियों और बहादुरों, आज तुमने खाया क्या? अफसोस, जब हमारे शिकार की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो वो सुनहरी स्याही से नहीं बल्कि चने की दौल से लिखी जाएगी। परवाह नहीं, लेकिन कल जब हम शिकार पर जाएंगे तो हमारी इस डार्लिंग डबल बैरल को लेके जाएंगे। ये वो बंदूक है जिससे रानी बाग के हाथी तो क्या बल्कि शेर तक कांपते हैं। चुप के नारायण, तुम्हारी नजर का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है सरकार, एक के दो तो नजर नहीं आते? नहीं नहीं, दो के चार नजर आते हैं जी। आप चुप के नारायण जी, कल शिकार में तुम हमारे साथ जा रहे हो। अच्छा, हम पूरब की तरफ से जंगल पर धावा बोलेंगे। अच्छा, और इनसे कहो हाँ पश्चिम की तरफ से हमारा पीछा करें। यस सर। दिस मिट यू ऑल्सो, अबे तू भी चुपके।
दादाजी आप कैसा नहीं आया हुआ? कल भी कुछ नहीं मिला था और आज भी कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि मैंने तेरा मुंह देखा है, समझा? सुबह सुबह उठ के सामने चला आता है। मोती सरकार उधर देखो मिल गया। क्या है? देखो क्या है? क्या मारू जी? अबे मगर मारू किसको? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। अरे क्या दिखाई नहीं देता, वो झाड़ के अंदर है जी। गोली मारू जी, जरा मैं भी तो देखू। ये पहले गोली मारो, पीछे देखू, वो हरनी भाग जाएगा जी। ऐसा? हाँ। तुम किधर जाते हैं? मैं इधर ही हूँ। अच्छी बात है, कर बंद करो। हाँ। अबे चुपके, ये क्या खबर है? ये एक नहीं जी, बहुत हरनी लोग है जी। तुम और एक चला तो जरूर कुछ ना कुछ झगड़ा करवाएगा, मुझे देख लेंगे। तुम गोली मारो जी, कोई ना कोई तुम्हें मर जाएगा। ए, कौन हो तुम? यो यो, ये कैसा हरनी है जी? ए शिकारी के बच्चे, नीचे कर बंदू। तुम्हारे बाप का राज है कि जिस पर जी चाहे गोली चला दी। जादूगर हरनी, ये तो मर गए जी। तुमने इसको मार डाला? मैंने? हमारी सरकार को मार डाला। मोती सरकार। अयो यो मोती सरकार, ये क्या हो गया? जादूगर हिरनी, लाल रुमाल, गोल गोल लटकियां, काले काले बाल। अब यहाँ वो जादूगर हिरनी का पता निकलता जी। अरे भोजन चलिए जल्दी। अरे देखो मोदी सरकार को क्या हो गया? अरे क्या हो गया? जिंदा है कि मर गए? नहीं यार, अभी जिंदा है। अरे मुनीम का बच्चा किधर गया? मुनीम के बच्चे को मारा गोली। अरे यार सरकार को उठाओ, चलो। अरे सब उठा लो, सब उठा लेंगे, घबराओ मत। चलो सब उठा लेंगे। लाल रुमाल, कुछ समझ में नहीं आता सेठ जी। नर्स चलती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सांस, आंखें, नाक, कान, सब कुछ तो ठीक है। कुछ भी कीजिए, मेरे मोती को ठीक कीजिए डॉक्टर। अच्छा, मैं दवाई लिख देता हूँ। घबराओ नहीं लक्ष्मी, घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा। जादूगर हिरनी, लाल रुमाल, हाय मेरा मोती, हाय मेरा मुनीम। अरे चुपका नारायणन, तुझे शेर क्यों खा गया? शेर हमको क्या खाएगा जी, हम शेर को खा गया। अरे अरे चुपका नारायणन, तू आ गया। शाबाश शाबाश शाबाश, बता इस खोटे पैसे को क्या हो गया है? ये जादूगर हरनी कौन है? सब पता लाया जी, पहले हमको ये बताओ कि हमारी रानी पद्मिनी कैसा? अरे पद्मिनी के बच्चे, मैं पूछता हूँ क्या पता लाया है? वो पता देता हूँ जी, ये जादूगर हरनी, लाल रुमाल, गोल गोल आंखें, काले काले बाल। चुप बे। मिस रूपा चौधरी, कौन है ये? ये तो चौकरी है, जादूगर आरने इसका नाम है। अपना मोती सरकार उसके लव में फंस गया है जी, उनका जल्दी जल्दी शादी करना चाहिए। तो जल्दी जाकर बातचीत करो ना, हम फौरन शादी कर देंगे। हाँ मैं फौरन कल जाऊंगा ना। कल क्यों? आज जा, इसी वक्त जा, देखता नहीं एक एक घड़ी मुसीबत से गुजर रही है। हाँ मैं अभी जाता हूँ, उसमें क्या है? वो मेरी रानी पद्मिनी को चोरियां करने की है, एक 50 रुपए दे। तंग आ गया तेरे 50 रुपए से? नहीं नहीं इधर होगा जी, ये ले। और सुन, ए सब बात का अच्छी तरह फैसला करके आइयो। फैसला करके आता हूँ। और सुनो, दो चार लाख की परवाह मत करना। नहीं नहीं, दो चार लाख। नंबर 13, यो यो वेरी बैड, अनलकी नंबर। जादूगर हरनी नंबर 14, जादूगर हरनी नंबर 14, जादूगर हरनी नंबर 14, अकी नीचा अच्छी नंबर। అయ్యో వండర్ఫుల్, ఇది ద 14 నంబర్, ఇది ద లక్కీ నంబర్, జాదుగారు హర్ని, జాదుగారు హర్ని, లాల్ రుమాల్, గోల్ గోల్ ఆకి, కాలా బాల్। ओ जादूगर हरनी, ओ जादूगर हरनी, ओ जादूगर हरनी, जादूगर हरनी। तुमको क्या मांगता? ओ तुम उसका बाप है, हम तुम्हारे से बात करेगा। तुम्हारी छोकरी एकदम पसंद, उसके शादी का बात है, तुम एकदम खुश हो जाए। What? वो हमारा औरत, तुमको मालूम? अयो यो, तुम्हारे जबान में छोकरी को औरत बोलता है, परवाह ले।
हमारा शहर बड़ा लाखोपति, उसका बड़ा बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी मोटर है, और मोदी सरकार उसका अकेला छोकरा है, उसका शादी का बात है, तुम किल्लत बोलो जी। तुम क्या बच्चा है यू इडियट? वंडरफुल है, तुम एक लाख रुपया मांगता हम एक लाख देगा। यू डैम फूल, हमारा औरत को दो बच्चा। बच्चा तो शादी के पीछे होगा जी, एक दो न तीन चार आठ वो कुछ गारंटी नहीं कर सकता जी। ओ दो दो बच्चा, दो लाख मांगता, तुम्हारा आइडिया अभी हमारे मगज में आ गया, हम तुमको दो लाख देगा जी। गेट आउट यू इडियट, नहीं तो तुम्हारा मगज तोड़ेगा। ओ एक दो तीन चार पाँच, पाँच लाख मांगता, वंडरफुल आदमी। छोकरी का बाप अपने मुँह से कैसे मांगेगा, तुम्हारा मांगने का ढंग बहुत अच्छा है। ओ यू इडियट, ओ पाँच और पाँच दस, हम तुमको दस लाख देगा, तुम हमको शगुन का नारियल दो जी। नारियल एनी गन लाओ, एनी गन लाओ। वंडरफुल मैन, नारियल को गन बोलता। Get out! Get out, you idiot! Get out! डॉक्टर साहब, अच्छी से अच्छी खुराक, रुपया, पैसा, लाड प्यार, भला कौन सा सुख है जो मैंने नहीं दिया इसे। जादूगर हिरनी जी, मैं समझता हूँ यहाँ कुछ कमी रह गई है। अजय नहीं नहीं नहीं, यहाँ कैसे कमी रह सकती है, पूरे सात मन बादाम खिला चुका हूँ। दो मन, पांच मन पिताजी खुद खा गए। जादूगर डॉक्टर साहब आए गए। आप आगे मुनि जी, हाँ कुछ पता चला? हाँ पता चला जी, हम वो छोकरी के बाप के पास गया, हम उसको एक लाख का ऑफर दिया, बहुत गुस्सा हो गया। अच्छा अच्छा क्या, हम उसको दो लाख का ऑफर दिया, उसके बाद हम पाँच लाख का ऑफर दिया, उसके बाद हम दस लाख का ऑफर दिया जी। वो बाप बहुत खुश होकर अंदर गया। अच्छा अच्छा क्या, बंदूक लेके बाहर आया और हमारे ऊपर दो गोली चलाया। अरे तो उन दो में से एक भी गोली तेरे सीने पे नहीं लगी, वो कैसे लगती जी, तुम्हारे आशीर्वाद से हम। अरे उस आदमी की बंदूक का लाइसेंस कैंसिल, जो इतने बड़े निशाने पर गोली नहीं मार सका। उड़ गए चुपके, डाल इसे खटिया पर, फेंका बर्ली के समंदर में, अभी फेंक देता हूँ। अरे अरे कैसे बाप हो तुम, देखते नहीं मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पर, कुछ तुम ही करो ना। क्या करूँ, तुम चाहती हो कि चुक्का नारायण गोली से बच गया तो मैं ना बचूं? अरे वो तो पागल है, वो शादी ब्याह की नाजुक बातें क्या जाने, तुम ही जाकर बात करो ना। वाह 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 वाह, अरे जरा सोचो तो सही, मैं लखपति इज्जत वाला बेटे का बाप, मैं एक छोकरी के लिए किसी के सामने जाकर झुकूं? हैं? झुकने से कमर नहीं टूटेगी तुम्हारी, जैसा वक्त हो वैसा करना चाहिए। नहीं 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 लक्ष्मी, मैं इस खोटे पैसे के लिए कहीं नहीं जाऊँ। नहीं जाओगे? नहीं, मैं भी मर जाऊंगी अपने लाल के साथ, मैं अभी जहर पीकर जान दे दूंगी। लक्ष्मी ओ लक्ष्मी, सुन सुन इधर इधर, जो कभी नहीं किया था वो भी करना पड़ता है, माँ बेटा जब चाहते हैं मेरी दुखती रख पकड़ लेते हैं। चुपके अबे, और चुपके चल मेरे साथ। मेरा नंबर 14, हमको डर लगता है, हम जाता है जी। अरे डरने के बच्चे, मैं कहता हूँ चल अंदर चल। नहीं हम तुम्हारा मार खाएगा, तुम हमको मारो, हम उसका मार नहीं खाएगा। सुन तो, आदमी मोटा ताजा है क्या? नहीं नहीं है दुबला पतला, लेकिन क्या है वो हर वक्त गोली चला। हाँ हाँ हाँ, काट ला। सरकार तुम पांच फुट लंबा रहे ना। पांच फुट बुजदिल कहीं का। बड़े सरकार संभाल के, उसके पास दो नले की बंदूक है। मैं कहता हूँ चुप रहे, चुपके चुप रहे। Who is that? जी मैं उस एक हीरामल। तुमको क्या मांगता? देखिए साहब बात ये है। That's all right. Sit down. मैं अपने मुनीम के मुंह से आपकी बड़ी तारीफ सुन चुका हूँ। ए साहब वो जरा बेवकूफ आदमी है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। That's all right, that's all right. तुमको क्या मांगता? देखिए साहब आप भी औलाद वाले हैं, औलाद का दुख कितना होता है आप अच्छी तरह समझते हैं। मेरा एक लड़का है, जिस दिन से उसने आपकी बेटी को देखा है बस वो बिस्तर पे तड़प रहा। हमारा बेटी को? कौन सा बेटी? कौन सा बेटी? ओ हो तो आपकी बहुत सी बेटियां हैं, भगवान सबको सलामत रखे। मैं ये रूपा देवी है ना, उनके लिए कुछ अर्ज कर। ओ माय गॉड, ये हाउस नंबर 14, हम क्रिश्चियन लोग, तुमको मांगता 14A, एक के चौधरी, उसका लड़की मिस रूपा। ओ हो, बहुत भूल हुई मुझसे साहब, अफरा तफरी में मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी है, मैं इसके लिए माफी। अच्छा साहब माफ कीजिएगा, आपको बहुत तकलीफ हुई है। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू थैंक यू।
क्यों भाई चुपके? कहाँ घुस गया था? क्रिश्चियन लोगों के घर में देखता नहीं कार्ड पे साफ लिखा है एक चौधरी 14A सामने का बंगला सामने का। अयो यो 14A सामने का। सॉरी सर हमारा मिस्टेक हो गया। नंबर 14A नंबर 14A हाँ हाँ देख लिया देख लिया। अयो यो पिताजी क्या बात है बेटा? पिताजी वही शिकारी वाला जंगल नहीं मेरा मतलब है जंगल वाला शिकारी अपने साथ किसी दूसरे आदमी को लाया है। मैं सच कहती हूँ पिताजी मैंने सिर्फ उसे एक थप्पड़ मारा था वो मर कैसे गया मुझे नहीं मालूम भगवान की सौगंध मुझे नहीं मालूम पिताजी। अरे पर तू इतना घबराती क्यों है? चल मेरे साथ मैं देखता हूँ वो किस रिश्ते को लाया है। आ भगवान में शिकारी कौन है? डैडी वो मोटा जाड़िया। और दूसरा आदमी सीआईडी का मालूम होता है भेष बदल कर आया है। हर तो फिकर न कर जब तक मैं जिंदा हूँ किसकी मजाल है जो तुझे हाथ लगाए। प्रोफेसर ए.के. चौधरी साहब अजी मैंने कहा जरा बाहर तशरीफ लाइए। क्यों आए बाहर? हम कोई किराए के मकान में नहीं रहते। अच्छा तो अगर आप इजाजत दें तो हम ही लोग अंदर हाजिर हो जाएं। क्यों कुछ तलाशी लेना चाहते हैं? गिरफ्तारी के वारंट लाए हैं साथ। प्रोफेसर साहब डरिए नहीं। आपको किस चुगल ने कह दिया कि मैं डरता हूँ? ये कर लीजिए जो करना है। अजी साहब करना क्या है हम आपकी लड़की के मुतल्लिक बात करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि आप मेरी लड़की के लिए आए हैं मगर सबूत क्या है? गवाह कौन से हैं? मेरी बेटी ने कत्ल काहे से किया? कोई छुरी चाकू खंजर रिवॉल्वर थाल के कब्जे में? छुरी चाकू? यो यो कैसा बात करता जी तुम चौधरी साहब? है रोजी बीचो मत रोको। तो आप इस कछुए की बात सुनकर चले आए हैं मगर डॉक्टरी रिपोर्ट क्या कहती है? कत्ल के पीछे मोटिव क्या थे वजूहात क्या थी? मेरी बेटी को चूहे के बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती थी? चूहे का बच्चा नहीं बोलना जी यह बड़ा सरकार लाखोंपति आदमी है जी। अबे लाखपति है तो क्या पैसे से हाईकोर्ट खरीद लेगा? कुछ कानून की भी मालूमात है? मैं प्रोफेसर हूँ प्रोफेसर हिंदुस्तान के कोने कोने में शागिर्द है मेरे। एक आवाज दूंगा तो ऑल इंडिया में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अकेला समझकर डराने चले आए हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब आप मेरी भी तो सुनिए ये आपसे किसने कह दिया कि मेरा बेटा मर गया है या मार डाला गया है? मेरा मोती तो जिंदा है और मैं उसी के लिए आपकी बेटी रूपा का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। 7 दिन हो गए हैं प्रोफेसर साहब बेचारा बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। क्या कहा? मेरी बेटी रूपा का रिश्ता उस टीबी के मरीज के साथ जो आज नहीं तो कल मर सकता है? मेरी बेटी बंदूक की गोली से बच गई तो इस तरह बदला लेने आए हो? शादी के बहाने उसे विधवा बनाना चाहते हो? निकल जाओ मैं कहता हूँ वरना दो खून हो जाएंगे मेरे। प्रोफेसर साहब मेरी बात तो सुनिए। माय से गेट आउट। मुझे बात सुनने की आदत नहीं। अजी बेटी वाले हो एक ना एक दिन तो किसी की सुनोगे ही चौधरी साहब। हाँ जी बेटी पराया माल है जी आया माल घर में रखना चोर लोग का काम है। तेरे तो चोर की चुप्पे चुप्पे के बच्चे चौधरी साहब आप इसकी बातों का ख्याल न कीजिए। ये तो बिल्कुल गधा है गधा। कम आप भी नहीं है इस गधे से। जो जी में चाहे कह लीजिए मैं इस बेटे के लिए सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। उस बेटे के लिए एक लड़की से नजर मिलाकर 7 दिन से खटिया पे तड़प रहा है। बापा क्या मर्दानगी का नमूना पैदा किया है। तुम्हें देखकर मुझे शर्म आ रही है। रिश्ता लेने चले आए हैं बेघर मस्खरे चिड़ी मार गई। हद हो गई इस खोटे पैसे के लिए जिल्लत की हद हो गई। उन बेरीच के बच्चे क्या कहा? ये तो अभी कुछ नहीं कहा हा? आगे सुन तेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों गए जहन्नुम में। मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। निकल बाहर आ जा मैदान में। पिताजी आप भी किन पागलों के मुंह लग रहे हैं? ख्याल कीजिए हमारी कितनी इज्जत है मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। पिताजी आप क्या बचपना कर रहे हैं? निकल बाहर मोटू के बच्चे
क्या उस्ताद पिद्दी पहलवान। अरे क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा, मैं इस मुर्गे की गर्दन मरोड़ कर रख दूंगा। हजार रूपा, जय बजरंग बली। चढ़िया मारे शादी के बाद उसी जंगल में जहां जादूगर हिरनी से मुलाकात हुई थी फर्स्ट क्लास बंगला बनाऊंगा। पेरिस से फर्नीचर, जापान से फूल, ईरान से कालीन आएंगे। वाह बेटा, शादी करके माँ को भूल जाओगे? माँ भी रहेगी। और तुम्हारे पिताजी? फालतू आदमी का अपना उधर काम नहीं, पिताजी बहुत भड़कते हैं। ओ पिद्दी पहलवान, तेरा सब प्यारा चुपके, ऐसी औलाद से तो कुत्ता पाल लिया होता तो काम आता। क्या हुआ? अरे अरे, ये क्या हाल बना रखा है? लो और सुनो, बेटे को जादूगर हिरनी सुन गई थी जो हाय मेरा मोती, हाय मेरा मोती, और मैं उस सांड से पसलियां तुड़ा के आ रहा हूँ तो क्या हाल बना रखा है? मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। कुछ तुम ही बता। क्या बताओ जी अम्मा, बड़ा सरकार शादी का बात किया, वो सरकार झगड़े का बात किया, बड़ा सरकार को ऐसा मारा, ऐसा मारा जैसा कुमार गधे को मारा। आओ अबे ओ चुपके के बच्चे, काहले काहले की भड़ास निकाल ले, यही मौका है। तो मेरी शादी का पार्टी आउट हो गया क्या? पिताजी, आपकी इज्जत, दौलत, बंगले, मोटे, इन सब चीजों से एक छोकरी की प्राइस बढ़ गई ना, और ये सब धरे के धरे रह गए। अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई, वरना मैं भी आप ही की तरह सारी लाइफ इन बोगस चीजों के चक्कर में काट देता। ओ खोटे पैसे, बकवास बंद करो, दूर हो जा मेरी नजरों से। नहीं, नहीं, ये मेरे दिल की बात स्लिप होकर आपके मुंह से निकली है। मैं जाता हूँ, आज से मैं जोगी, मेरा नाम मंगल और एड्रेस केयर ऑफ जंगल। बेटा तू जोगी बन गया? ए तू रेडियो बंद करना अपना। अबे ओ चुपके, इसकी आंखों पे पट्टी बांध के इसे जंगल छोड़ गया। मैं खुद चला जाऊंगा, धोती बांधने की देर है। मोती, कुछ मेरी तो सुन, कुछ मेरा तो ख्याल कर बेटा, मैं तेरी माँ। नहीं, जन्म का रिश्ता कच्चे धागे से बना था, टूट गया, अब मेरे अंदर ट्विस्ट आ गया है, यानी कि परिवर्तन। संन्यास, जिंदाबाद। तेरे जिंदाबाद, तू ऐसी की तैसी। मिस्टेक हो गई, मुरादाबाद, फिर मिस्टेक, जिंदाबाद। मुरादाबाद, समझ गया, पिताजी ने इस मुनीम के बच्चे का वार्ड तोड़ लिया, कुछ परवा नहीं। जरा रबर के बाटली से सेकना जी, बदन ठीक हो जाएगा। अबे इस खोटे पैसे को यहाँ से दफा हो जाने दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मेरा लाल मुझसे छीन कर ही दम लोगे? सुन लो, अगर मेरी गोद उजड़ी तो तुम्हारा घर भी उजड़ जाएगा। हाँ 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 हाँ, तेरी गोद ही तो सब कुछ है, हम तेरे क्या हैं? तू हमारी कौन है? मैं पत्नी हूँ, लेकिन माँ भी। जरा अपने बाप को चिट्ठी लिख के पूछ, तू पहले पत्नी है के माँ? संन्यास, जिंदाबाद। मोती,
हिचकी तेरा सत्यानाश। देख लक्ष्मी लक्ष्मी, मैं जानता हूँ तू ढोंग कर रही है, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। संग चुटे, इस घर में ये हिचकियों को लाने वाला तू है, तू ही सारे फसाद की जड़ है। जा जा, रोक ले अपने बाप को, नहीं तो तुझे नौकरी से और तेरी सारी पलटन को इस घर से मैं दफा कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना जी, मैं मर जाऊंगा। मैं फिर ट्राई करता हूँ। सरकार हमारा नौकरी जाता है जी, तो घबराता काहे को है। अबे खर्चा एकदम कम, 100 रुपए का धोती ले और मेरे साथ हो जा। मैं बोलूंगा सन्यास, तो बोल जिंदाबाद। ऐसा कैसा हो सकता है जी, तुमको सन्यास अच्छा नहीं जी, तुमको तो दुनिया में रहना चाहिए। नहीं, दुनिया ने मेरा दिल तोड़ दिया है। तोड़ दिया तो क्या हो गया, हम उसको जोड़ देगा। हमको 10 दिन का टाइम दो। ये बात है हाँ। देखो चुपके नारायण, मैं बड़े से बड़े शैतान का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे शरीफ आदमी का सामना नहीं कर सकता। 10 दिन के बाद मुझे रोकना मत। नहीं रोकूंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस हाँ। सन्यास मुर्दाबाद। नहीं नहीं, फिर मिस्टेक हो गया, 10 दिन के बाद बोलूंगा जिंदाबाद। स्वामीनाथ जी, इडली डोसा ठंडे होते जी, थोड़ा खाना खाओ जी। हमारा भूख मर गया जी, मोती सरकार सन्यास लिया तो हम मर गया, और हम मर गया तो तुम मर गया, और तुम मर गया तो सब मर गया। कैसा खराब बात बोलता है जी, तुम खाना नहीं खाएगा हम तुम्हारी पुस्तक को आग लगाएगा जी। अयो रानी पद्मिनी, पुस्तक को आग नहीं लगाना, पुस्तक को आग नहीं लगाना। 10 दिन का टाइम, उसमें से 2 दिन चला गया, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। क्या करना, मिल गया। क्या मिल गया? वंडरफुल आइडिया मिल गया। आइडिया हाँ। कैसा? कृष्ण भगवान गोपियों से होली खेलता है। रानी पद्मिनी जी, अभी होली को कितना दिन बाकी है? 3 दिन। 3 दिन तो अपना काम हो गया। अभी कोई नहीं मरेगा, तुम नहीं मरेगा, हम नहीं मरेगा, अभी कोई नहीं मरेगा। तुम जाता किधर को जी? स्वामी ने थोड़ा खाना तो खा कर जाओ जी। हम वापस आके फिर खाना खाएगा। तुम हमारे लिए पोंगल, तहर वड़ा, उपीट, इडली, सांभर सब बना के रखो। हम 3 दिन का राशन 1 दिन में सापट करेगा। हाँ जी, जहर को जहर मारता जी, कांटे से कांटा निकलता है जी। एक चोकरी मोती सरकार पर जादू करता, दूसरी उतारता है। तरकीब तो अच्छी है। हाँ, जल्दी बंदोबस्त करो जी, होली का दावत दे दो, अच्छी अच्छी चोकरी बुलाओ। मोती सरकार एक चोकरी पसंद करता, 1 से शादी कर दो, 2 पसंद करता, 2 से शादी कर दो। यो फिर मिस्टेक हो गया जी, 2 नहीं 1 से शादी कर दो जी। हाँ हाँ, बस ठीक है, होली की तैयारियां करो, लेकिन होली बड़ी ठासदार होनी चाहिए।
अरे मोती,